हेलो, ठीक है ना? हो इ बार तबे पूरा दुनिया बाहुबलिये में परेशान है। बाहुबली मूवी जो है ये पूरा दुनिया में फेमस हो गया है। हमारा कंपनी में जो एगो चाइनीज एम्प्लॉय है वो बता रहा था कि चाइनीज मीडिया तक में इसका चर्चा फैल गया है। अपने यहाँ पर तो ये हाल हो गया कि किसी को टिकटें नहीं मिल रहा देखने के लिए। हमको बहुत मुश्किल से वो टिकट मिला है, देखेंगे। आप लोग भी देखिए लिए होइएगा। जो नहीं देखे होंगे आप टिकट के उपाय में लगे होंगे कि कैसे टिकट मिले। कोनो बात नहीं, मिल जाएगा। खैर, एगो जो अपने क्रिकेट के बाहुबली है ना, अपने देश में बाहुबली कहलाते हैं वो, कोहली भैया, वो भी आजकल थोड़ा बहुत टेंशन में चल रहे हैं। वो का है कि वो तो दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी का जो पहला जो था ना शासन, 49 दिन का जो सरकार था, तो उनसे इतना प्रभावित हो गए अपने कोहली भैया कि अपने टीम को 49 रन पे ऑल आउट करवा दिए। वो तो भला हो केजरीवाल जी का कि वो उस बात को ईगो पर ले लिए। अभी जो एमसीडी का चुनाव हुआ तो उसके रिजल्ट में वो अपने टीम को 44 पे ऑल आउट करवा दिए 270 में से, और रिकॉर्ड अपने नाम पर कर दिए। तो कोनो बात नहीं, दिल्ली का रिकॉर्ड दिल्ली वाला रखा। खैर, बॉलीवुड से एक और बुरा समाचार मिला, मतलब दुखद समाचार मिला। वो अपने विनोद खन्ना चचा नहीं रह पाए। उनके दाह संस्कार में अपना जितना भी नवका स्टार सब कहलाता है ना, बड़का बड़का स्टार कहते हैं नए दौर के, वो एको नहीं पहुंचे थे। ये बात को लेकर के ऋषि कपूर चचा इतना खिसिया गए कि मत पूछे। वो ट्विटरे पर गड़ियाने लगे सबको। खैर, कोनो बात नहीं। वैसे भी इस सप्ताह में तनका बुरा समाचार सबसे ही शुरुआत हुआ है। सप्ताह के शुरू में छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियन सब ने हमला कर दिया था अपने सीआरपीएफ के जवान पर। तो सीआरपीएफ के जवान सब गए थे कि रोड बनवाने के लिए। अब बताइए, नक्सली को का चाहिए? हमको तो पता ही नहीं चला उनको चाहिए तो चाहिए का। 25 को जवान शहीद हो गए। आ यहाँ पर चर्चा चल रहा था, मीटिंग चल रहा था कि इन सब चीज से कैसे निपटा जाए कि उन्हें कश्मीर में भी आतंकवादी सब आ गया और अपने सेना के जवान के साथ मुठभेड़ हुआ, वो में 3 जवान शहीद हो गए। भगवान इन सब शहीदों की आत्मा को शांति प्रदान करें। और इस सब चीज के अलावा लखनऊ में एको चीज पकड़ाया, वो का चीप लगा करके ना पेट्रोल चोराता था पेट्रोल पंप वाला सब। तो आपको कह देते हैं कि होशियार रहिएगा, अगली बार जब पेट्रोल भरवाने जाइएगा ना तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि पैसा तो पूरा ले रहा है पेट्रोल का और पेट्रोले कम दे रहा है। तो आपको पता चलेगा कि हमारा गाड़ी का माइलेज कम गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा, अपना खुश रहिए, अपना बगलों वाला को खुश रखिएगा। फिर दूसर का वीडियो में ऐसे नहीं मिलेंगे। जय राम जी की।